जय श्री राम। पहले भी कौशल गोत्र की उत्पत्ति पर मैंने वीडियो बनाई है जो कि आप सभी लोगों ने देखी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि कौशल्य गोत्र का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि मैं आपके सामने शास्त्रीय प्रमाण और श्लोकों के साथ इस बात का प्रमाण देने आया हूं कि कौशल गोत्र का संबंध सूर्य वंश से है और वो कैसे है, कौशल गोत्र खत्री और ब्राह्मण दोनों में कैसे पाया जाता है, तो इस पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र कुश की वंश परंपरा में हिरण्यनाभ कौशल्य का जन्म हुआ। इसमें यह श्लोक है, कुशस्य चातिथि सतस्मानिष धस्त ततसुतो नभा पुंडरी को अथ तत्पुत्र अक्षेम धनमा भवत तातः, ये प्रथम श्लोक से प्रमाण है। दूसरी बात, श्लोक दूसरा, देवानी कसतो निहा परियात्रो अथ तत्सुत ततोबल सतलन ततस्माद वृजनाभो अर्क संभवा। इसके बाद तृतीय श्लोक आता है, खगण सत्तत्सुत सत्तत्सस्माद विद्त्री शाभवतः सुतः ततो हिरण्यनाभो बुद्ध योगाचार्यस्तु जेमिने शिष्य कौशल्य अध्यात्म याजवल्क्यो द्यगादः अतः योग महोदः मृषि हर्द ग्रंथि भेदकम्। ये चौथा श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 9/13 में इस श्लोक का वर्णन आया है। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश का पुत्र आतिथ्य, आतिथ्य से निषद, निषद से नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से अक्षेम धनवा, अक्षेम धनवा से देवानीक, देवानीक से अनिहा, अनिहा से परियात्र, परियात्र से बलस्थल, बलस्थल से वज्रनाभ और वज्रनाभ से खगण और खगण से विदत्री, उससे हिरण्य नाभ हुआ जो कौशल्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जैमिनी का शिष्य था और योग विद्या का आचार्य था, जिससे याजवल्क्य ने बड़े फल वाला और हृदय की ग्रंथियां खोलने वाला अध्यात्म योग सीखा था। ऐसे थे हमारे महामुनि कौशल्य ऋषि। यहां सूर्यवंशी हिरण्यनाभ का दूसरा नाम कौशल्य कहा है और इसे बड़ा विद्वान और योगाचार्य बतलाया गया है। विष्णु पुराण के अंदर 4/4/47 में भी ऐसा ही कहा गया है। इसकी टीका है, कौशल्य श्री रामचंद्र जी की 15वीं पीढ़ी से हुआ है। श्री राम सूर्यवंशी अक्षत्री थे, अतः कौशल्य भी सूर्यवंशी ही हुआ था। बाद में सूर्यवंशी अक्षत्री ही मिहिरोत्रे भी कहलाए, क्योंकि कौशल्य सूर्यवंशी अक्षत्री होकर भी महान वेद रचयिता वेदविद्य था, अतः इसे गोत्र चलाने का हक प्राप्त हुआ। सिद्ध है कि उसी के वंशज अक्षत्रिय एवं ब्राह्मण कौशल्य गोत्री कहलाए, जिनमें मिहिरोत्रे भी शामिल थे। कुछ लोग मल्होत्रों को या मिहिरोत्रों को लक्ष्मण जी के वंशज भी मानते हैं। लक्ष्मण जी की किसी पीढ़ी में कोई राजा मिहिरोत्रा हुआ था, जिसके नाम से मिहिरोत्रे या मल्होत्रे वंश भी चला, मेहरे भी चले, मिहिरोत्रे भी चले, परंतु इसका कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके आगे हम कौशल्य गोत्र पर ही चलते हैं। हिरण्यनाभस्ततो महायोगीश्वरो जेमनी शिष्यो यतो याजवल्क्यो योग मम बापः। ठीक है, उससे विधृति से हिरण्यनाभ जो जैमिनी का शिष्य महायोगीश्वर हुआ, जिससे याजवल्क्य ने योग प्राप्त किया। अब विष्णु पुराण 3:6 में आया है, सहस्रम संगीताभेदम सुकर्मा तत्सुत चकारतम तत्चियाचो जग्राते महामते हिरण्यनाभ कौशल्य पौष्य ज्येष्ठ द्विज्योतम उदित्य सामगः शिष्यास्तेभ्यः 15 स्मृतः हिरण्यनाभात् तावदन्तः संगीताये द्विज्योतमः गृहीता सप्तमे अपि चोचन्ते पंडिताय प्राच्य सामगः। ये श्लोक
नंबर 4 है। ये विष्णु पुराण से मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, जो भी विद्वान लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस विषय पर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें व्यास शिष्य जैमिनी का पुत्र सुमंतु, उसके पुत्र सुकर्मा ने सामवेद की सहस्त्र शाखाएं बनाई थी, जिनको उनके महामति दो शिष्यों हिरण्यनाभ कौशल्य और पोषज जी ने ग्रहण किया। अब हिरण्यनाभ से 15 शिष्यों ने, जो कि ब्राह्मण थे, 15 शाखाएं पढ़ी। ये 15 जो है शिष्य भी प्राच्य सामरा कहलाते हैं। अब ये प्रमाण मिलता है कि सूर्य वंश होने के बावजूद हिरण्यभ कौशल ऋषि से ब्राह्मणों का कौशल नामक गोत्र आरंभ हुआ, क्योंकि उनके 15 ब्राह्मण शिष्य थे, जिन उन्होंने अपना गोत्र उन 15 ब्राह्मणों को दिया और 15 ब्राह्मणों से वो गोत्र आगे चलता रहा। इससे आगे श्लोक 6 में आया है, हिरण्यनाभ शिष्य चतुर्विशांति ही संगीता प्रोवाचा कृतिनामासौ शिष्य भे सुमहामति ही। हिरण्यनाभ का शिष्य महामति कृति हुआ, जिसने 24 संगीताओं का प्रवचन किया। अब प्रश्न उपनिषद 5:1 में भी हिरण्यनाभ कौशल का वर्णन वेदवादियों में आया है, अथ हेनम सुकेक्षा भारद्वाज है प्रपच्छ है भगवन हिरण्यनाभ है कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत हेतम प्रश्न मम पृछत है षोडश काल भारद्वाज पुरुषवेत है तमहम कुमार मम ब्रह्म नाहम नमामि वेद है। इसमें सुकेशा नाम भारद्वाज ने पिपलाद ऋषि से पूछा, हे भगवान, राजकुमार हिरण्यनाभ कौशल मेरे पास आया है। उसने पूछा है, हे भारद्वाज, तू 16 कला वाले पुरुष को जानता है। मैंने उस कुमार से कहा, मैं तो नहीं जानता, इत्यादि इत्यादि ये बातचीत है उनकी। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हिरण्यनाभ राजा होकर भी संगीताओं का प्रवचन करने वाले ऋषियों में से था, इसलिए उनके नाम का गोत्र चला। इस गोत्र के पर्वत 3 हैं, जैसा कि मत्स्य पुराण में अध्याय 1/96 में अंगिरा के गण में कौशलस्य पार्थी वस्तथा कौशल्य राजे श्लोक 9 कहकर पर्वर बताए गए। तो यहां महर्षि वशिष्ठ के सोमे मानस पुत्र का नाम हिरण्यनाभ कौशल ऋषि भी बताया गया है, ऐसा भी कुछ शास्त्रों में है। तो यहां मैं ये समाधान करना चाहूंगा कि जो पहले ऋषि होते थे उनके जो शिष्य होते थे वही उनके मानस पुत्र भी कहे जाते थे, शिष्य पुत्र तुल्य होता था। तो कई बार लोग संशय में पड़ जाते हैं कि भगवान राम के पीढ़ी में 15वें हिरण्यनाभ कौन थे और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र जो थे हिरण्यनाभ वो कौन थे, वो दोनों एक ही हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंदर उनको पुत्र कहलाया गया है। तो ये था हमारे कौशल गोत्र का शास्त्रीय प्रमाण। उम्मीद है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। मैं आगे भी प्रयासरत रहूंगा, अध्ययन करता रहूंगा कि और प्रमाण अगर मिलते हैं तो मैं वीडियो को संशोधित रूप से बनाकर आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करूं। जय श्री राम।